राजस्थान के बारां छबड़ा तहसील क्षेत्र के कई ऐसे स्कूल जहां पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी ना किसी कारण पानी फेर दिया जाता है, लेकिन इस बार छबड़ा के ग्राम पंचायत खोफर समेत अन्य कई स्कूलों में बिना शारीरिक शिक्षकों के ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसके कारण खिलाड़ियों को खेल के दौरान बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहाँ मौजूद शिक्षकों और पीईओ बाबूलाल द्वारा बताया गया है कि हमारे स्कूल के दूसरे शिक्षकों के द्वारा खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। खोफर स्कूल के शारीरिक शिक्षक कल्याण प्रसाद शर्मा को शहरी ओलंपिक में छबड़ा लगा दिया है और छबड़ा क्षेत्र में शारीरिक शिक्षकों की कमी होने के कारण शारीरिक शिक्षक नहीं लगा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार बिना शारीरिक शिक्षकों के खेल संभव कैसे हो सकते हैं? सर, ये जो ग्रामीण ओलंपिक जो हो रहे हैं, तो आज अपन बात करते हैं खोपर की। तो जैसे यहाँ पे बिना शारीरिक शिक्षक के ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है, तो क्या ये संभव है? इधर इधर अनुभवी शिक्षक होने के कारण संभव तो है, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं, तो वो खेलों को संपन्न करा सकते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।